हे व्हाट इज़ अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस आई होप सब बढ़िया होगे। तो गाइस आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ 1.7.0 के अपडेट से रिलेटेड कुछ लीक्स, जो कि हमारे गेम में मे भी आ सकती हैं और नहीं भी आ सकती हैं। तो भाई 50-50 चांसेस है पूरे पूरे कुछ नए फीचर्स हैं, कुछ जो आपने गाइस पहले कभी देखे नहीं होंगे। गाइस बहुत ही नए फीचर्स आए हैं, तो उन्हीं के बारे में आपको बताऊँगा इस वीडियो में। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना, एंड बढ़ते हैं भाई वीडियो में बिना किसी इंट्रो के। बट उससे पहले आपको बता दूं, मेरे चैनल पे हो रहा है 10 रॉयल पासेस का गिव अवे ऑन 10 के सब्सक्राइबर्स। अगर आप रॉयल पास जीतना चाहते हो तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, 10 के कंप्लीट करा दो 30 अक्टूबर से पहले पहले अगर आपको रॉयल पास जीतना है, क्योंकि भाई तभी गिव अवे कर पाऊंगा, अदरवाइज नहीं। तो बस वही है गाइस, 10 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो अगर आपको रॉयल पास जीतना है, अगर आप जीतना चाहते हो फ्री में तो। एंड भाई बस बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो हमारे जो है सबसे पहले जो लीक्स निकल के आती है गाइस, वो है डेकोय ग्रेनेड को लेके। तो गाइस ये डेकोय ग्रेनेड जो है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग इसका फीचर है भाई, अलग ही काम करता है। मतलब जो नॉर्मल ग्रेनेड है उससे तो बहुत ही बिल्कुल अलग है। तो गाइस इसमें होता क्या, जो नॉर्मल ग्रेनेड होता है तो वो बर्स्ट करता है एकदम से, मतलब फूट जाता है। बट इसमें ऐसा क्या है कि ये जब भी हम इसको फोड़ेंगे तो इसमें से भाई अलग अलग गन्स की साउंड निकलेंगी, मतलब बॉट फायर की साउंड आएगी, जिसकी वजह से जो बंदे होंगे डिस्ट्रैक्ट होंगे और भाई वो फायर करने लग जाएंगे, इसकी तरफ आएंगे पास में, जिससे आप उन्हें मार सकते हो आराम से। इससे होगा क्या, जो बंदे होंगे बॉट फायर सुनिए गाइस बाहर आएंगे और आपको फायर देने लग जाएंगे, मतलब ग्रेनेड की तरफ पर, तो आप उन्हें आराम से भाई स्पॉट करके मार सकते हो। तो इसका ये मेन फीचर है। एंड बढ़ते हैं गाइस अपने नेक्स्ट लीक को लेके। तो गाइस नेक्स्ट निकल के आती है हमारी ब्लू जोन ग्रेनेड को लेके। तो गाइस जो ब्लू जोन ग्रेनेड है, इसका फीचर भी मतलब कुछ ऐसे ही है, कुछ इसी टाइप का है। मतलब आपने नॉर्मल जो स्मोक ग्रेनेड देखा होगा ये तो स्मोक करता है, बट इसमें क्या होने वाला है, अगर इसको कहीं बिल्डिंग के अंदर फेंकेंगे, मतलब जहाँ पे फाइट वाइट हो रही है, तो वहाँ पे एक ब्लू जोन क्रिएट कर देगा, जिससे भाई बंदे जो होंगे अंदर ही फंस के रह जाएंगे। और भाई ब्लू जोन के अंदर आपको पता है भाई होता क्या है। तो भाई ग्रेनेड जो होने वाला है बहुत ही खतरनाक होने वाला है, मतलब आप इसे यूज़ कर सकते हो अपार्टमेंट फाइट्स में या फिर सी बिल्डिंग फाइट्स में जो मिलिट्री बेस में होती है, भाई बहुत काम आने वाला है ये। एंड देखते हैं ये आ पाता है या नहीं आ पाता, मतलब इसका काम जो है भाई वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मतलब अगर कहीं फाइट हो रही हो थर्ड पार्टी, मतलब कैंप कर रहे हो बंदे, तो वहाँ पे ये भाई ब्लू जोन स्मोक ग्रेनेड फेंक के भाई उनको ख़त्म कर सकते हो एक ही बार में। तो इसकी ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। एंड जो गाइस हमारी नई चीज़ निकल के आती है भाई अपडेट में, वो है भाई ये खतरनाक राइफल, जिसका नाम होने वाला है लाइनेक्स AMR राइफल, जिसमें भाई 5 ही बुलेट आने वाली हैं और ये इतनी खतरनाक होने वाली है भाई, किसी भी व्हीकल को एक ही बुलेट में ख़त्म कर देगी। मतलब भाई सोच सकते हो अगर ये गेम में आ गई तो भाई क्या ही तबाही होगी, मतलब एक ही बुलेट में भाई पूरा व्हीकल ख़त्म, जिसमें 4 बंदे होंगे भाई, चारों बंदे एक बार में ख़त्म हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो भाई स्क्रीन पर इसका भाई क्या ही सीन है, आप देख सकते हो भाई एक ही बुलेट में भाई ख़त्म। एंड ये भाई गेम के अंदर तो बहुत काम आने वाली है, क्योंकि ये RDBMS के पार भी निकलने वाली है। आपको पता ही होगा भाई RDBMS कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉकरोच है तो भाई उसके भी पार निकल जाएगी, तो सोच सकते हो भाई कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग राइफल होने वाली है। खैर अभी कुछ कंफर्म नहीं है, देखते हैं क्या होता है। एंड जो हमारा अगला फीचर निकल के आता है गाइस, वो है हमारा पिगी बैक फीचर, जो दोस्तों आप पबजी PC में आपको देखने के लिए मिल चुका है पहले से ही। एंड इसमें होने क्या वाला है, आप अपने बंदे को भाई जो नॉक बंदा होगा उसको अपने पीछे लटका के भाई घूम सकते हो, मेरा मतलब है उसको आप कवर में लेके आ सकते हो। अगर वो ऊपर में पड़ा हुआ है भाई नॉक होके, तो आप उसको इस फीचर के थ्रू उठा के आप उसको कवर में लेके आ सकते हो, आराम से रिवाइव दे सकते हो, जो कि भाई बहुत ही अच्छा फीचर होने वाला है। क्योंकि अगर मान लो अगर आपका बंदा भाई फाइट लेते लेते कहीं नॉक हो गया एंड वो कवर में है, आप तब भी उसको रिवाइव नहीं दे पाओगे, क्योंकि भाई आपको थर्ड पार्टी पड़ रही होगी। एंड ऐसे में आप उसको उठा के भाई ला सकते हो कवर में, आराम से रिवाइव दे सकते हो। एंड दुश्मनी निकालनी है तो उसे पानी में भी फेंक सकते हो भाई, ये चीज़ बढ़िया है। एंड आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा गाइस कैसे इसको उठा के देखो इस फीचर के थ्रू लेके जा रही है कवर में। जो हमारा अगला फीचर निकल के आता है गाइस, वो भी बड़े काम का है, जिसका नाम होने वाला है एमओ थ्रो फीचर। तो गाइस आपको अभी तो हेल्थ किट थ्रो फीचर देखने के लिए मिल चुका होगा, जिसमें भाई आप हेल्थ वेल्थ अपने टीममेट को फेंक के दे सकते हो। बट इस वाले फीचर में होने के वाला है आप एमओ फेंक के अपने टीममेट्स को दे सकते हो, अगर आपके टीममेट के पास भाई एमओ कम है और फाइट ले रहा हो, तो ऐसे में आप भाई उसको एमओ दे के उसकी हेल्प कर सकते हो और उसको बचा सकते हो। एंड ये फीचर भाई अभी हमें पबजी PC में देखने के लिए मिला है, बट अभी पबजी मोबाइल या फिर BGMI में देखने के लिए नहीं मिला। तो हो सकता है कि इस 1.7 के अपडेट के साथ ही हमें देखने के लिए मिल जाए। ओके, तो भाई जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो निकल के आता है डर्ट बाइक को लेके। तो दोस्तों हमें एक गेम के अंदर नई बाइक देखने के लिए मिलेगी, जिसका नाम होने वाला है डर्ट बाइक। तो भाई मैं नहीं जानता ये पबजी वालों ने क्यों ऐड करी है इस गेम के अंदर, वैसे भाई बाइक की कमी थोड़ी है, पहले से हमारे पास 2 तरह की बाइक हैं। एंड भाई उसके बाद ये नई बाइक ऐड करने वाले हैं, पता नहीं क्या करेंगे भाई इसे ऐड करके। एंड भाई मैं तो इसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ नहीं, क्योंकि भाई बाइक तो वैसे भी कोई यूज़ नहीं करता भाई, बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। तो अब भाई देखते हैं क्या होता है, कौन से फीचर आने वाले हैं और कौन से नहीं आने वाले हैं, क्योंकि भाई कंफर्म तो कुछ भी नहीं है। एंड दूसरी बात करते हैं इस वीकेंडी के बारे में। तो दोस्तों आपको वीकेंडी जो मैं मैप देखने के लिए मिला था 8 अक्टूबर को, उसमें भाई कुछ भी चेंज नहीं है। तो आप बोलो कि भाई 2.0 वर्जन किधर है इसका, तो मैं आपको बता दूँगा जो BGMI वाले हैं, मतलब पबजी वाले हैं, इन्होंने इसको अभी इसलिए ऐड किया ताकि भाई लोग पुराने वर्जन को अभी थोड़ा इन्जॉय कर सकें भाई, खेल सकें थोड़ा सा। एंड जो हमारा नया वर्जन है विकेंडी 2.0 का भाई, वो बहुत जल्दी हमें देखने के लिए मिलने वाला है। तो उससे पहले हमें कुछ दिनों के लिए विकेंडी का पुराना वर्जन दिया गया, ताकि भाई पुराने वर्जन को भाई एक्सपीरियंस कर सकें हम थोड़ा बहुत।
एंड बस ये था इसकी वीडियो में। गाइस अगर कोई वीडियो पसंद आई हो तो गाइस मेक श्योर चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए गुड बाय।